वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना, वेस्ट में है, वेस्टर्न घाट मतलब वेस्ट में, ईस्टर्न घाट हो गया था ना, हो गया था क्या, शायद भी लग रहा हो, वेस्टर्न एज ऑफ प्लेटू रीजन, क्योंकि ईस्टर्न में सर वो डेक्कन था ना सर, हो गया मुझे लगता है, डेक्कन है ना सर ईस्टर्न, द वेस्टर्न एज ऑफ प्लेटू, देखेंगे बात, प्लेटू रीजन इज फ्लैंक्ड बाय द वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न एज, एज मतलब किनारा होता है ना, तो ऑफ प्लेट्यू मतलब जो उस रीजन में जो पठार है, ठीक है ना, इज फ्लैंक्ड बाय वेस्टर्न घाट, फ्लैंक्ड क्या होता होगा, फ्लैंक्ड देखो मतलब उसका मतलब है कि वो घिरा हुआ है, क्या है, हाँ वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, जो उसकी एज है उस प्लेट्यू की वो वेस्टर्न घाट की बॉर्डर से घिरा हुआ है, एज से घिरा हुआ है ना, इट फॉर्म्स अ शार्प एज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इन द वेस्ट, ठीक है ना, शार्प एज बनाता है वो, शार्प किनारा बनाता है, ठीक है ना, एक शार्प मतलब एक बॉर्डर बनाता है, किनारा तो एक अलग वर्ड हो गया, बैंक होता है उसका मतलब, लेकिन ये एक बॉर्डर टाइप बना रहा है शार्प वाली पेनिनसुलर प्लेटू की इन द वेस्ट, ठीक है, अब देखना आपको मिलेगा ऐसी वो पतली लेयर मिलेगी, पतली लेयर, और क्वेश्चन भी आता है कि ईस्टर्न ईस्टर्न वेस्ट और वेस्टर्न जो घाट है उसमें उसकी ब्रिथ किसकी ज़्यादा है ना, कौन सी ब्रॉड कौन सी है, पतला कौन सा है, मोटा कौन सा है ना, ये आ चुका शायद कहीं गया था एक क्वेश्चन, इट्स लॉन्ग एस्कार्पमेंट, कल गया था ये वर्ड एस्कार्पमेंट है, गया था ना एस्कार्पमेंट, एस्कार्पमेंट ढलान, ढलान को बोल रहे थे, ठीक है ना, तो इट्स लॉन्ग ढलान रनिंग पैरेलल है ना, ढलान क्या है, लॉन्ग है मतलब ढलान है ना, बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग, ठीक है, और क्या है, रनिंग पैरेलल टू द अरेबियन सी, अब एक सी से कैसे वो पैरेलल हो सकती है, सी ऐसा है, सी ऐसा है तो वो भी ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे में पैरेलल बोल रहा है वो, ऐसे ऐसे में पैरेलल मतलब बहुत लॉन्ग है और ऐसे ऐसे में पैरेलल, सी तो ऐसे ही रहेगा ना मैम, ऐसे तो ही ना रहेगा सी, अगर तो सी पे ऐसे ही रहेगा ना पैरेलल, तो ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई किसके पैरेलल है ना, इसमें लिख देगा कि इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन किसके है ना, तो अरेबियन सी के ये, ठीक है, पैरेलल है, आर सिंपली ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग का मतलब समझ रहे क्या है, ठीक है जी सर, वो ब्रेथ है ना, ब्रेथ लिखा सर, हाँ वही है ब्रेथ टेकिंग, मतलब तुम्हारी सांस निकाल, तुम्हारी सांस रोक दे, उसका मतलब पता क्या है, तुम्हारी सांस रोक दे, मतलब जब तुम, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है कि अरेबियन सी और जब तुम इसके ढलान को देखोगे पैरेलल में तो तुम्हारी ऐसी सांस रुक जाएगी, ऐसा बोल रहा है, ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है तुम्हारी सांस रुक जाएगी देखते हो, मतलब तुमको समझा नहीं हो रही भाई इसके पैरेलल में कैसे आ गई है, ब्रेथ टेकिंग का जो जो वर्ड लिखा है ना वही मीनिंग है उसका, ब्रेथ मतलब ब्रेथ सांस लेना और टेकिंग खींच लेगा, वही मीनिंग है सर, कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, द वर्ड घाट मीन्स अ स्टेप लाइक अ माउंटेन, घाट का मतलब क्या होता है देखो अच्छे से बता रहा है, घाट का मतलब क्या है, एक स्टेप ऑफ माउंटेन मतलब जो ढलान जैसी, स्टेप वाइज माउंटेन है ना, स्टेप वाइज रहता है क्या, रहता है ना, तो उसको घाट बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो कितने अच्छे नोट्स है, पहाड़ी के बीच में कहाँ जा रहे हो, वो दो पहाड़ी होगी फिर उसके बीच में दर्रा होता है, फिर वो दो पहाड़ी के बीच का भाग दर्रा होता है, कोई पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी अगर जो घाट है ना, स्पेशल घाट क्यों है, घाट कोस्टल के पास भी मिलेगा, तो समुद्र के पास भी मिलेगा, तो वहां भी बात बता रहा है स्टेप वाइज, ठीक है, आप जिस माउंटेन की बात कर रहे होंगे वो तो सीधे होंगे ना, इतने इतने सीधे होंगे, उसका जो स्लोप होगा वो खड़ा जैसे ही हो गया ना, तो भी इतना तो भी खड़ा च हो गया ना, इतना है तो फिर थोड़ा नॉर्मल है, इतना है तो भी खड़ा च है ना, वो भले थोड़ा सा मुड़ा है, इतना नहीं है लेकिन तो भी तो खड़ा ही है ना, तो उसमें कहाँ सीढ़ी बनेगी, सीढ़ी तो इसमें बनेगी ना, सीधे में कहाँ खड़े सीढ़ी बन सकती है, नहीं बन सकती, चाह के भी नहीं बन सकती, वेस्टर्न घाट्स आर कंपैरेटिवली, देखो अभी ये क्वेश्चन देखो, हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटीन्यूअस देन ईस्टर्न घाट, देखो हायर है उसकी ऊंचाई ज्यादा है किसकी, वेस्टर्न की, और ज्यादा लंबा फैला हुआ है ईस्टर्न से, तो ईस्टर्न क्या है, छोटा भी है और उसकी हाइट भी कम है ना, फ्री का क्वेश्चन बन रहा है सर, तो ये जब ऐसे नोट्स बनाओ ना तो उसमें डिफरेंस निकालते जाओ हर चीज का डिफरेंस,
उनको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। और तुम जब छोटे छोटे नोट बनाओगे ना, तुम उससे भी डिफरेंस बना सकते हो, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट से ही नहीं कि पूरा डिफरेंस बना लोगे, मतलब जो शायद दूसरी या तीसरी बार पढ़ोगे ना तब तुम खुद बना लोगे कि इसमें डिफरेंस निकलता है। यही पूछेगा सर एग्जाम में, वही ना, कंसेप्ट अगर क्लियर है ना छोटे छोटे भी तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द रेंज इज बीइंग इन, ठीक है जी, एवरेज अपन निकाले, एवरेज मैं से पढ़ा ना, ठीक है, एवरेज समझ गया ना भाई एक्चुअल में क्या होता है, शायद पहले नहीं मालूम है। तो एवरेज जो है ना 1500 मीटर है, इसमें तो छोटे बड़े बहुत होंगे इसमें वेस्टर्न में, तो इसमें एक एवरेज निकला कि भाई इतने तो है ही। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, नॉर्थ से साउथ में, मतलब जब वो कन्याकुमारी की तरफ आ रहा है ना, जब वो तमिलनाडु की तरफ आ रहा है तो वो हाइट जो है वो बढ़ते जा रही है, हाइट जो है ना नॉर्थ से साउथ बढ़ते जा रही है, ठीक है। और यही क्वेश्चन नहीं कि पेनिनसुलर प्लेटू में भी था कि उसकी हाइट बढ़ रही है कम हो रही है, तो आप सर्च करना, मैंने पढ़ा दिया है, मैं फिर से नहीं बताऊँ, ठीक है। तो उसकी भी हाइट कम हो रही है, ज़्यादा रही, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, वेस्ट से ईस्ट, ये सब पता होना चाहिए कि कोई भी जो चीज़ है, माउंटेन है, प्लेटू है, वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी सिर्फ इधर के डायरेक्शन पता है, तो अभी ये क्या, ये पतला है, छोटा है बोल रहा है, बहुत पतला पतला है, तो क्या बोलते हैं कि इसका नॉर्थ साउथ ऐसा नहीं, सॉरी साउथ ईस्ट और वेस्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, बड़ा छोटा ज़्यादा नहीं कर पाओगे ना, छोटा है ना, बस पतला है, कोस्टल वाला है। लेकिन जो कोई पेनिनसुलर प्लेटू तो बड़ा है, पेनिनसुलर प्लेटू कितना हो गया, तो वही उसमें पता सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ बड़ा है कि ईस्ट से वेस्ट छोटा है, कहाँ जा रहा है, वो आप उसमें निकाल सकते हो, गया भी शायद, अब डिटेल में पढ़ोगे तो आपको मिल जाए। द वेस्ट, और नहीं भी दिया है तो गूगल में ढूंढना, नहीं दिया है तो गूगल में ढूंढना। द वेस्टर्न घाट्स एब्रप्टली राइज एज अ शियर वॉल टू एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो एब्रप्टली मतलब एब्रप्टली, एब्रप्टली पढ़ा है तुमने कभी, एब्रप्टली नहीं पढ़ा ये वर्ड, क्या होता है मीनिंग, क्या लगता है क्या होता है मीनिंग, क्या होता है मतलब अचानक, क्या है उसका मतलब, हाँ सडनली, तो मतलब अचानक आकस्मिक है ना, वो राइज हो जा रहा है, मतलब वेस्टर्न घाट जो है, जैसे मतलब जैसे घाट है तो भाई वो ऐसे 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 राइज होना चाहिए, लेकिन वो एकदम से राइज हो गया, एकदम से 1500 मीटर पे पहुंच गया, एकदम से चला गया। हाँ, तो ऐसे शियर वॉल, शियर वॉल मतलब खड़ी ढाल, खड़ी इमा, खड़ी ढाल बोले तो खड़ी, खड़ी दीवार या खड़ी ढाल, खड़ी तुम्हारे मतलब ढाल इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जो हिंदी में नहीं कहा ढाली रहेगा, ये दीवार भी लिख सकता है लेकिन ढाल ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। खड़ी ढाल मतलब अब जब एकदम से चालू हो रहा है तो फिर खड़ी ढाल मैंने बोला था ना, ठीक है। तो टू एन एवरेज एलिवेशन, तो तब एवरेज एलिवेशन कितना आता है वेस्टर्न घाट का, 1000 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, कहाँ से, इधर से, ये समुद्र की तरफ से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, बट दे स्लोप जेंटली ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब भी बताया था, नहीं बता पाएगी मैडम, फ्लैंक का मतलब भी बताया था, फ्लैंक का मतलब अभी तो बताया था, फ्लैंक का मतलब बताया था ना अभी, क्या क्या फ्लैंक, फ्लैंक अब बता दो क्या क्या मतलब था, जल्दी जल्दी, नहीं या अभी बताया था, जस्ट अभी देखो अभी बताया था ना फ्लैंक का मतलब, आप मीनिंग तो निकालो इसका, बताया था ना फ्लैंक का मतलब, अभी क्या है मतलब, नहीं आ रहा यार, फ्लैंक द वेस्टर्न, नहीं कुछ लिखा ही नहीं, द वेस्टर्न एज ऑफ प्लेटू रीजन, मतलब भाई वेस्टर्न की जो लेयर होगी या किनारा होगा वो जो है प्लेटू रीजन, मतलब पठार वाला रीजन को क्या कर रहा है वेस्टर्न घाट, अब तो बता दो, हाँ अलग कर रहा है, नहीं क्या कर रहा है रीजन को, अरे घिरा है, घेर रहा है, कवर कर रहा है, नहीं घिरा हुआ सही कवर वर्ड है लेकिन कवर, हाँ आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बट दे स्लोप जेंटली, सर वो देखो वो इंग्लिश में लिख रहे हैं हिंदी में मीनिंग लेकिन तुम नहीं लिख रहे क्योंकि उनको कोई काम नहीं है, क्या मैडम यार, सर आप क्यों लिख रहे हैं सर, नहीं तो वही ना, तो फ्लैंक आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, फ्लैंक को घिरा ये मीनिंग आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं अगर हिंदी में, नहीं फिर भी आपको जरूरत नहीं है सर, आप सिर्फ पता सिर्फ यहाँ पे मतलब समझो, जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना उसको सिर्फ समझना है आपको, आप घर में जाके पढ़ोगे सर हिंदी में आपको ऐसे समझ जाएगा,
आपको फ्लैंग से ये मीनिंग है आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मत लिखा करो, काट दो काट दो। इनको लिखने की जरूरत है लेकिन ये लिखते नहीं, लेकिन लिखने आपको भी जरूरत नहीं है, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप घर में जाके अगर पढ़ रहे हो तो एक एक मीनिंग निकाल के लिख रहे हो तो भी सही है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप घर में मीनिंग निकाल रहे हो तो सही है, करते हो क्या? तो देखो ये जो स्लोप जेंटली किस तरफ है, ईस्टर्न की तरफ, वेस्टर्न का इधर है, तो ईस्टर्न की तरफ में उसका जो स्लोप है ना वो जेंटल है, जेंटल है मतलब वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है खड़ा नहीं है, ठीक है। एंड हार्डली अपीयर्स टू द माउंटेन व्हेन व्यूड फ्रॉम द डेक्कन टेबल लैंड, क्या बोल रहा है, वो मुश्किल से दिखता है माउंटेन की तरह व्हेन व्यूड फ्रॉम द डेक्कन टेबल लैंड, मतलब डेक्कन तो पता चल गया कहाँ से, तो डेक्कन से अगर मैं देख रहा हूँ तो हार्डली एक माउंटेन जैसा दिखता है, टेबल लैंड क्या, अब डेक्कन का टेबल लैंड बोल रहा है, टेबल और लैंड, टेबल लैंड का मतलब है पहाड़ी मैदान, आप समझे, नीचे नहीं देखो, ये देखो टेबल है, और टेबल है मतलब क्या, मतलब है चपटी, मतलब समतल जगह है, स्टेबल लैंड है भाई, उसका क्या मतलब हुआ है, यहाँ पे लिखा है पहाड़ी मैदान, पहाड़ तो है लेकिन उसमें मैदान है, तो ये प्लेटू है ना सब, प्लेटू है, प्लेटू में नहीं क्या बहुत सारे मैदान रहते हैं, तो ये पहाड़ी मैदान है, डेक्कन का क्या है पहाड़ी मैदान, से अगर आप देखोगे तो हार्डली आपको एक माउंटेन जैसा दिखेगा, सही है। हाँ यहाँ पे इतने सब प्लेटू है ना सर, छोटा नागपुर भी प्लेटू है, माउंटेन आपको यहाँ पे सर हिल हिल है बोलते, हिल देखो, हिल और माउंटेन में फर्क होगा ना, ये कल लेके आना बरा, हिल और माउंटेन में क्या फर्क है, और आप हिंदी में लेके आना नाम क्या है हिंदी में, मतलब हाइट से निकालते कोला, जमीन से नहीं, बड़ी बात है, बड़ी माइका आयरन स्टील सब मिलता है, बॉक्साइड मिलता है, बॉक्साइड वेस्टर्न, वेस्टर्न गार्ड, वेस्टर्न गार्ड्स आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स, सही है, जैसे सह्याद्री, सह्याद्री को क्या बोलते हैं, खूब सारा खून भेटला है म्हणून त्याचा रंग लाल है, ऐसा एकदम बोल रहा था सर, ऐसे सुना था, ये सह्याद्री थोड़ा लाल सर क्यों दिखता है बोले, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मराठों का खून है, तो बोलते सही है क्या, युद्ध युद्ध लड़े क्या वहाँ पे, बोलते हाँ, तो इसलिए वो खून के कारण नहीं क्या, वो लाल है बोलते, लाल है क्या देखना पड़ो, अरे सर सर्च करके आना ना, सह्याद्री लाल है क्या, थोड़ा सा हल्का सा लाल सर है क्या, ये डेक्कन, डेक्कन में वेस्टर्न घाट उधर ही कोंटे कांटे में, उधर ही कोंटे कांटे में देख भाई, वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं सह्याद्री, ठीक है, इन महाराष्ट्र में, और कर्नाटक में देखो क्या बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, और तमिलनाडु, तमिलनाडु और कर्नाटक में नीलगिरी हिल बोलते हैं, देखो तमिलनाडु और कर्नाटक में नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डामोम हिल्स इन केरला, अन्नामलाई और कार्डामोम हिल्स इन केरला, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स, देखो रिवर्स कहाँ से निकलते, पेनिनसुला से वेस्टर्न घाट से, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट से रिवर्स निकल रही है पेनिनसुला पे तैरने के लिए, ठीक है, अपना वे बना रही है, कहाँ से बह रही है, वेस्टर्न घाट से बह रही है, निकल रही है, और कहाँ बह रही है, ईस्टर्न की तरफ जा रही है, ठीक है, ईस्ट साइड की तरफ, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये वेस्टर्न घाट जो है इसकी तरह काम कर रहा है, वाटर नहीं सॉरी, तो ये जो रिवर जो निकल रही है यहाँ से वेस्टर्न घाट से, वो ईस्ट और वेस्ट में जो नदियाँ बह रही है उनके बीच में वाटर डिवाइड कर रही है, उनको काट रही है, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से नदियाँ बह रही है उनको वो काट रही है, जो नदियाँ कौन सी निकल रही है वेस्टर्न घाट से पेनिनसुला की तरफ, द अन्नामुड़ी पीक, ठीक है, अन्ना मलाई है, ठीक है, अन्नामुड़ी पीक जो है
695 मीटर है द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, इंडिया का अगर हम देखें तो वो अलग है, लेकिन अगर पेनिनसुलर प्लेटू में देखें तो अन्नामुलाई पीक है। ठीक है, लोकेटेड इन द अन्नामुलाई हिल्स। हाँ, इसमें अन्नामुलाई हिल्स में अन्नामुलाई है, देखो अन्नामुलाई में हिल्स में अन्नामुड़ी पीक आता है, आपको सेम लगा लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, ऑफ द वेस्टर्न घाट्स फॉलोड बाय द डोडा बेटा इन द नीलगिरी हिल्स। डोडा बेटा कहाँ है? नीलगिरी हिल्स में, और ये सब किसके पार्ट है? वेस्टर्न घाट के। ठीक है, द अन्नामुड़ई फॉर्म ट्राई जंक्शन ऑफ द अन्नामलाई रेंज। अन्नामलाई का ये पार्ट है, अन्नामलाई के अंदर ये आता है, तो अन्नामलाई की जो रेंज है, मतलब अन्नामलाई बड़ा है तो अन्नामलाई की श्रृंखला होगी, उसमें से ये क्या बनाता है? ट्राई जंक्शन बनाता है। ट्राई जंक्शन मीन्स एक जंक्शन क्या होता है? जंक्शन कोई रास्ता होता है ना, जंक्शन, तो ये तीन तरह का रास्ता बनाती है। ठीक है, ट्राई जंक्शन ऐसा नहीं बोलते, जंक्शन रेलवे जंक्शन एक रास्ता बना रहा है ना वो। द कार्डमम हिल्स एंड द पलानी हिल्स। ठीक है, तीन हो गए, अन्नामलाई रेंज, कार्डमम हिल्स और पलानी हिल्स, ये एक जंक्शन बनाते हैं। ठीक है, बनाते हियर द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मीट। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्राई जंक्शन में वो दोनों मिल रहे हैं। कोडाई कनाल इज अ ब्यूटीफुल हिल रिजॉर्ट सिचुएटेड ऑन द पलानी हिल्स। यहाँ मतलब घूमने वाला, जैसे पचमढ़ी हिल स्टेशन ना वैसा, तो ये यहाँ पे एक रिजॉर्ट है। कौन सा? कोडाई कनाल कहाँ है? पलानी हिल्स। पलानी हिल्स कहाँ है? ट्राई जंक्शन में। और ट्राई जंक्शन कहाँ पे? अन्नामलाई रेंज में, सॉरी अन्नामुड़ी में, अन्नामुड़ी में जो पीक है अन्नामलाई रेंज का। ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सही है, नॉर्थ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और ईस्ट से आ रहा है। ये देखो, ये नॉर्थ, एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट, ये देखो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है और ये देखो साउथ वेस्ट में जा रहा है। इधर वेस्ट है ना, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट से ऐसा आड़वा जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना। सही, ये अपना भाई साहब है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फॉर्म्स द ईस्टर्न एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है ना, ये यहाँ का किनारा बना रहा है, वो एज आखिरी कोना बना रहा है, कॉर्नर बना रहा है पेनिनसुलर प्लेटू का। इट फॉर्म्स अ डिसकंटिन्यूस रेंज ऑफ द, इसका मतलब क्या हुआ? इट फॉर्म्स अ डिसकंटिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन, टूट टूट के, टूट टूट के। ठीक है, विच हैव बीन इरोडेड, मतलब पहले कंटिन्यू होगा लेकिन उसको काटा गया है। काटा किसने? नदी ही काटेगी। और कौन? एंड और कौन काट सकता है नदी के? नहीं नहीं, स्ट्रीम, जितना वो नहीं काटता वो स्ट्रीम, मतलब जो सीजनल वाली रिवर। एंड डिसेक्टेड, डिसेक्टेड मतलब बताया था मैंने, काटना ही होता है। बाय द फोर मेजर रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, चार रिवर्स ने काटती है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये काटती है किसको? इसको, नहीं सॉरी, ईस्टर्न को ना, ईस्टर्न की बात चल रही है। ठीक है, नहीं ये वेस्टर्न, अरे सॉरी, हाँ ये वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, हाँ ये इसकी बात चल रही है, इसको इसको काटता है इसको, सॉरी सॉरी। ठीक है सब, और ये देखना कि आप ये नदियाँ नहीं कहाँ से निकलती हैं, लेकिन हम जब आएंगे ना इसके चैप्टर में नदी वाले में, तो वो पूरा आएगा, डिटेल में आएगा। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेंजेस इंक्लूड द जावड़ी हिल्स। ठीक है, द पालकुंडा रेंज एंड द नल्ला मल्ला हिल्स, द महेंद्रगिरी हिल्स। ठीक है ना, ये ईस्टर्न घाट में ये मेन हिल्स है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, इनकी लोकेशन देख लें। बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर ईस्टर्न घाट्स लूज देयर हिली कैरेक्टर। क्यों क्यों कर रही होगी वो अपने हिली कैरेक्टर, मतलब अपना माउंटेन वाला कैरेक्टर को लूज कर रहे होंगे ईस्टर्न घाट। हाँ, काट दिया होगा उसको इसलिए। ठीक है ना, जो ये मतलब वहाँ पे वो उसकी लेंथ भी कम हो गई होगी। ठीक है ना, इसका एलिवेशन एंड आर ऑक्यूपाइड बाय द गोंडवाना फॉर्मेशन। तो जो वो रीजन है ना, वो गोंडवाना फॉर्मेशन का है, जो पहले का टुकड़ा। ठीक है ना, वो एरिया उसके बीच में, वहाँ पे जो है ईस्टर्न घाट का जो हिली कैरेक्टर है वो कम हो जाता है।
वो एरिया किसके बीच में, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच, ठीक है ना। मतलब अगर क्वेश्चन आ गया कि गोंडवाना, वेयर द गोंडवाना फाउंड इन द इंडिया, तो फिर ऑप्शन में क्या जाएगा, पहला रहेगा ऐसा गोदावरी कृष्णा के बीच का, फिर रहेगा गंगा और इसके बीच का, फिर रहेगा कोई और नदी महानदी के बीच में और नर्मदा के बीच में, ऐसा रहेगा ऑप्शन, तो ऑप्शन अपना ये रहेगा सही है। द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द सह्याद्रीज एट द नीलगिरी हिल्स, ठीक है। द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द सह्याद्री एट, सह्याद्री से कम कहाँ मिल रहा है, ईस्टर्न घाट नीलगिरी हिल्स में, बॉर्डरिंग कर्नाटक, मतलब कर्नाटक का बॉर्डर है नीलगिरी हिल्स से, और वहां पे सह्याद्री ईस्टर्न घाट से मिल रहा है। सह्याद्री कहाँ पे आता है, वेस्टर्न घाट में आता है ना, तो वही बता रहा है सर, वो वेस्टर्न घाट मतलब ये कोई क्या है, द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट है, यहाँ सह्याद्री आपको दिख रहा है, लेकिन ये तो क्या असल में, द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट एट द नीलगिरी हिल्स बॉर्डरिंग कर्नाटक। सर मैं बता रहा हूँ बिहाइंड द लाइन, जो मैं देख सकता हूँ वो आप नहीं देख पा रहे, इसलिए तो बता रहा हूँ वो चीज, ये चीज छुपा है, छुपा है उस शब्द के पीछे छुपा है। न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो बिटवीन द लाइंस जो है ना वो समझने की चीज रहती है, उसको बोलते हैं बिटवीन द लाइंस, मतलब लाइंस के बीच में जो नहीं लिखा है वो हमको समझना पड़ता बोलते हैं क्या, वहां लिखा रहता है, अच्छा ड्यूट्यूब है हाँ, तो वही है ये, तो बिटवीन द लाइन, तो देखो ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट, मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन असल में वेस्टर्न घाट बोलना चाह रहा है वो, तो देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, ईस्टर्न घाट कहाँ, वेस्टर्न घाट का तो मिलते कहाँ है वो, नीलगिरी हिल्स में, और वो भी कहाँ, कर्नाटक के बॉर्डर पे, क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक है, एंड तमिलनाडु, ठीक है ये दोनों होना चाहिए वहां पे, तो यहाँ पे पेपर में क्या लिख देगा, कर्नाटक और केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ऐसा जोड़ी बना देगा, तो यहाँ पे जोड़ी किसकी है, कर्नाटक और, भाई ना बहुत कंफ्यूजन होता है सर एग्जाम में, अगर आपने पढ़ा नहीं ना अच्छे से, ये बहुत भयानक कंफ्यूजन, आपको लगेगा मैं सही करके आया लेकिन गलत रहेगा। जिंदा गढ़ा पीक जो है आंध्र प्रदेश में, इज द टॉलेस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का भी बता दिया उसने, ईस्टर्न घाट का भी बता दिया, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स मतलब तटीय मैदान, इंडिया हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड, ठीक है ना, ये चैप्टर के पहले शुरुआत में क्या था याद है क्या, चैप्टर के शुरुआत में क्या था, द पेनिनसुलर प्लेटू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इन द ईस्ट, सही है। देखो भाई ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, वो भाई किससे सराउंडेड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से इन द वेस्ट में, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से ईस्ट में, इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, ठीक है। द स्ट्रेट एंड द रेगुलर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड, क्रेटेशियस पीरियड का मैंने ईयर बताया था 145 से 66 मिलियन, ठीक है, और फॉल्टिंग का मतलब है क्या, थर्ड वाला प्लेपेलियो होगा है ना, प्लिनोसिक भी है, प्लेलियोसिनिक भी, ठीक, नहीं तो मैंने ईयर बता दिया ना, ठीक है। फॉल्टिंग फॉल्ट है, फोल्ड नहीं है, फॉल्टिंग है, फॉल्टिंग है। अरे सर मैंने मीनिंग तो बताया था ज्योग्राफी में, फॉल्ट ये भी सर तो थे, फॉल्ट का मीनिंग बताया था अच्छे से, फॉल्टिंग, अरे तुम कितना ही पढ़ा तो आता ही नहीं, फॉल्टिंग का मतलब यह था कि जब फॉल्ट मतलब वो टेक्टोनिक प्लेट से फोल्ड वोल्ड होते होंगे, तो उसमें क्या होता है, एक जो जमीन रहती है वो नीचे हो जाती है और एक जमीन उठी उठ जाती है, तो उसको बोलते हैं फॉल्ट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये जो स्ट्रेट और रेगुलर कोस्ट लाइन है ना, स्ट्रेट ही है ना, रेगुलर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है भाई, ये किसका रिजल्ट है, गोंडवाना लैंड में फॉल्ट हुआ, ठीक है ना, तो कुछ जमीन धस गई कुछ जमीन ऊपर आ गई, तो ये ड्यूरिंग द क्रिटिशियस पीरियड, ठीक है ना। तो यही है, आप सिर्फ नहीं क्या पढ़ो मत, आप नहीं क्या हर वर्ड का मीनिंग निकालो, जब इसका मीनिंग निकलेगा तब पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकलता है एक्यूरेट, ये नहीं सिर्फ पढ़ना है आपने, है ना। गुजरात 1214 एज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, सही है। गुजरात का जो समुद्री तटीय एरिया है वो सबसे बड़ा है, क्या पढ़ रहे हो सर, और वो भी स्टेट के इससे, अगर किसी स्टेट का जोड़ेंगे सबसे बड़ा है। सर ऐसे 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 तो बहुत बड़ा है, वो छोटा दिखता है लेकिन बड़ा है, छोटा
छोटा है लेकिन बड़ा है, दिखता छोटा है लेकिन बड़ा है। तो इन इंडिया और वहीं तो बहुत सारे अपने प्राचीन काल से निकल पोर्ट रहे हैं। इज फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। मतलब ये क्या बोल रहा है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, मतलब हाँ, मतलब ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब अच्छा ये अभी बांट रहा है इसमें, ठीक है। इट एक्सटेंड अलोंग द अरेबियन सी फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। ये रोड पे आया क्या? ये यही है। इट एक्सटेंड अलोंग द अरेबियन सी फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ, है ना। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुज्जू, ठीक है, गुज्जू पीपल के पास में है, ठीक है। तो वहां से, तो अलोंग मतलब कि वहां से जा रहा है, अरेबियन सी के पास से जा रहा है ये, फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ, ठीक है ना। यहां से यहां तक तो जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर द गुजरात प्लेन। गुजरात प्लेन तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर द नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो आ गया। अब देखो अभी तक क्या चल रहा था, वहां की घाट का कम ज्यादा चल रहा था, अब वहां के मैदान का भी कौन कम ज्यादा है। वो वेस्टर्न वाला जो है ना, वो ज्यादा नैरो है ईस्टर्न से। नैरो मतलब ऐसा है, नैरो ज्यादा नैरो है, वो भी नैरो है लेकिन वो ऐसा नैरो है, इतना मतलब ज्यादा नैरो नहीं है, ऐसे 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 जा रहा है, और ये कुछ ज्यादा ही नैरो है ऐसा, ठीक है। पोस्टर वाला ज्यादा नैरो है ईस्टर्न से, फ्रॉम द साउथर्न गुजरात अप टू मुंबई टू दिस प्लेन, फ्रॉम द साउथर्न गुजरात मतलब गुजरात का निचला भाग, वहां से लेके मुंबई दिस प्लेन, मुंबई तक, पूरा मुंबई, ठीक है। ये जो मैदान है कंपेरेटिवली ब्रॉडर फैला हुआ है, अच्छा मतलब विड्थ है उसकी, ठीक है। बट इट्स नैरो साउथवर्ड ऑफ बॉम्बे, जो बॉम्बे का जो साउथ का भाग है उसमें वो नैरो हो जाता है, ठीक है। द प्लेन ऑफ गुजरात आर मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल, सही है। जितना मैदान बना है वो गुजरात का, वो ब्लैक सॉइल से बना है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन, सबमर्ज क्या बोले, क्या बोल रहे हैं, मीनिंग क्या बता रहे हैं आप, क्या क्या बोले, जहां पे अच्छा सबमर्ज का मतलब। इज एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन, मतलब कि जलमग्न मैदान है तटीय का जो डूबा हुआ है, समझे, जलमग्न, लगना नहीं, लगना नहीं, मग्न, मग्न। अच्छा वैसे बोलते हैं ना, मैं मग्न हो गया, मैं तो तेरी क्या बोलते, तेरी शरण में मग्न हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, लीन हो गया। तो फिर मग्न का मतलब क्या हुआ, इसमें जलमग्न क्या होता है। आप रोज भगवान, अच्छा भगवान की पूजा कौन करता है रोज, नहीं, कोई करता है दोनों में से। पूजा मतलब कैसी वाली, वो पूरा ऐसा लोटा पानी लेके आना, उसमें बुच काटते भगवान को, भगवान क्या हो जाता है उसमें बुच काटने के बाद, जलमग्न हो जाता है। अब समझ गए जलमग्न का मतलब, अब समझा, समझा, अब समझ गया, भगवान पे आके समझ गए सर, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस सबमर्जेंस डेट इज स्टेटस इन अ नैरोअर बेल्ट, अब इस डूबने के कारण वो जो है ना नैरोअर हो गया बेल्ट, बेल्ट मतलब वही लैंड का जो एरिया है, मैदान का जो एरिया है वो नैरो हो गया है, कम हो गया। एंड प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स, अब इसके कारण क्या है, अगर कोई नाव आ रही है तो उसको एक आराम से एक आने के लिए मिल जाता है, एक पानी से आते बरबर एक तो लैंड कर सकता है बढ़िया से। आप इमेजिन करो या वीडियो देखो तो आपको समझेगा, ठीक है। या फिर इनका वेस्टर्न जो प्लेन है वो डालोगे तो आपको दिखेगा वहां पे, ठीक है। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट ये बहुत हेल्प करता है ये चीज। तो प्री में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पोर्ट अगर है कहीं पे नेचुरल तो उसकी कंडीशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, तो ये पूरे लिख देगा लाइन से, पूरे लाइन से लिख देगा कैरेक्टरिस्टिक कि ये सब होना चाहिए, समझ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पोर्ट्स एंड हार्बर्स, तो पोर्ट्स और हार्बर में क्या फर्क होता है, अगर नहीं मालूम है तो कल सर्च करके आना, है ना। लग रहा है ना पोर्ट्स और हार्बर एक ही है,
लग रहा है ना, हार्बर और पोर्ट से एक ही है, नहीं लग रहा? तो सर्च करके आना क्या दिक्कत। कांडला, मजगांव, जेएलएन पोर्ट ऑफ नवा शेवा। जेएलएन का फुल फॉर्म जवाहरलाल है ना भैया ना, हर जगह अपना नाम छपा दिया और क्या, अपना नाम छपा दिया, उसको चेंज कर दिया सर, क्या कर दिया, सुभाष चंद्र कर दिया क्या, चेंज हो गया सर, नाम चेंज हुआ, जेन होगा, चेंज हुआ ये, वो भी सर्च कर। तो मरमा गाँव, मंगलोर, कोची आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट। अब आप क्या सर्च करके आओगे कल इसके हिसाब से, अगर मैं ये देख ले तो अब क्या सर्च करके आओगे कल, क्वेश्चन क्या बनता है? अरे ये पूरे इंडिया में कितने पोर्ट है नेचुरल वाले, खत्म। और फिर उसमें क्या आ जाएगा, उसका स्टेट का भी नाम आ जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो। ये क्या है देखो, ये जो लिस्ट है ना, ये है वेस्टर्न कोस्टल एरिया में नेचुरल पोर्ट कौन से, लेकिन आपको कहाँ क्या सर्च करना है, पूरे देश में, और लैंडलॉक भी सर्च करके आना, लैंडलॉक मैम, लैंडलॉक पोर्ट, जो समुद्र के पास नहीं रहते उनको बोलते हैं लैंडलॉक पोर्ट, लॉक्ड पोर्ट हिंदी में, आप उसका देखना ठीक है ना। ह्यूमरस रिवर्स एंड बैक वाटर्स इन्यूनडेट द रीजन। इन्यूनडेट का मीनिंग कई बार गया है, इन्यूनडेट का मीनिंग, डिड्यूनडेट भी गया है, देखो डिड्यूनडेट, इड्यूनडेट ये सब गए हैं, गए ना, आप क्यों दिमाग लगा रहे ह्यूमरस रिवर्स एंड बैक वाटर्स, बैक वाटर मीन्स बैक वाटर भी गया था, बैकवाटर मतलब ये भी स्ट्रीम है एक, ठीक है ना, पानी जो छूट जाता है पीछे तो वो पानी है, छूट जाता है जो बैकवाटर, उसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने अच्छे से, याद होगी। तो बहुत सारे रिवर्स और जो स्ट्रीम है वो क्या है, इस रीजन को क्या कर देती है, डुबा देती है, फिर से जल मग्न, ठीक है, डुबा देती है एंड डिपॉजिट सील्ड इन द प्लेन। अब भाई डुबा दिया तो फिर वहां पे अपने साथ जो भाग लाएगी वो डिपॉजिट करते जाएगी ना, तो सील्ड को डिपॉजिट करती है मैदान में। मोस्टली ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट्स, देखो कौन सी जो वेस्टर्न घाट से निकल रही रिवर, और फास्ट फ्लोइंग बहुत तेजी से बहती है, देखो खासियत क्या बता रहा है, बहुत तेजी से बहती है, यूजली पेरेनियल, पेरेनियल मीन्स सदाबहार, सदाबहार क्या है मतलब, साल भर, सदाबहार का मतलब साल भर, ठीक है, सदाबहार वन पढ़ोगे सर आपने हिंदी में, सदाबहार वन, पतझड़ी वन, मैडम ने पढ़ा होगा, मराठी में पढ़ा क्या आपने, मराठी में पढ़ा क्या आपने, सोशल साइंस मराठी में था ना, किस में था, तो वही, तो फिर इनका हिंदी में था ना, सोशल साइंस हिंदी में था ना आपका, तो देखो सदाबहार वन, पतझड़ी वन ये पढ़ोगे उनके, फिर अपन डिफरेंस लिखते थे स्कूल में, अभी भी याद आ रहा है, डिफरेंस लिखते थे, डिफरेंस आता था, ठीक है ना। तो ये क्या है, सदाबहार है, और एम्प्टी इनटू द एस्चुरीज, एस्चुरीज का मतलब क्या होता होगा आपको, खाली हो जाती है, खाली खाली हो जाती है क्या बोल, हाँ बोल रहे खाली हो जाती है, खाली होना मतलब तू चले जाना पूरा, अरे नहीं नहीं सर, खाली हो जाना वैसा नहीं मतलब नदी कहीं जाके गिरना, खाली खाली हो जाना मतलब वही बोल रहा है, मतलब एस्चुरीज का मतलब क्या होता होगा आपको क्या लगता है, हाँ ये डेल्टा, नहीं डेल्टा जो है ना वो अलग है, खाड़ी अलग है, इसको क्या बोलते हैं खाड़ी, एस्चुरीज का मतलब क्या है सर, खाड़ी से, अरे सर मैं बोल रहा हूँ ये एस्चुरीज का मीनिंग खाड़ी है, आप क्या बोल रहे हो, तो बंगाल खाड़ी बोलते हैं, तो बे ऑफ बंगाल, हाँ सही बोल रहे थे, बे भी खाड़ी छे, मैंने कल शायद अच्छे सर्च करने के लिए बोला था ये सब भी है ना, डिफरेंस सब बे का आपको बोला था हिंदी में क्या आता है, आपको बोला था स्पेशल, आपको बोला था हिंदी में क्या आता है, बे का मीनिंग, गल्फ का मीनिंग हिंदी में क्या है, तो सर आप सर्च करके आओ, डेफिनेशन लेके आओ ना हिंदी में, है ना, तो एस्चुरीज कहाँ खाली हो जा रहा है, वो खाड़ी में खाली हो जा रहा है एस्चुरीज, ठीक है, मीन्स
मेजर रिवर्स फ्लोइंग इनटू द सी। नहीं तो डेल्टा पहले बनता है ना, खाड़ी बाद में बने। खाड़ी तो मतलब वो जगह है ना जहां मुंह खोला उसने। डेल्टा तो पहले बनता है ना मैम, उसमें तो ऐसा ऐसा है ना डेल्टा। फिर वो डेल्टा कैसे खाड़ी हो सकता है? डेल्टा के बाद में खाड़ी रहेगा ना, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं ना। अभी सर्च करके आना, एस्चुरीज क्या है, डेल्टा क्या है, कहाँ क्या है। मेजर रिवर्स फ्लोइंग इन टू द सी आर, अब कौन सी जो बहुत सारी रिवर्स कहती है वो है तापी, नर्मदा, मंडोवी, जुआरी, ठीक है ना। ये रिवर्स है, बहती है इनटू द सी में, ठीक है ना। दिस रीजन इज हाईली डिसेक्टेड बाय दिस रिवर्स, रिवर्स के द्वारा बहुत काटा गया है। एंड द कोस्ट लाइन इज इंटेंडेड एंड इररेगुलर। इंटेंडेड मीन्स डिजाइन, प्लान, क्या है, अच्छे से डिजाइन किया गया, प्लान किया गया है, ठीक है। कोस्ट लाइन इज, और इररेगुलर है, इररेगुलर है कोस्ट लाइन, इररेगुलर है। सेवरल नेचुरल हार्बर्स, मतलब क्या है वहां पे, बंदरगाह, पोर्ट है ना, नेचुरल है। द कोस्टल प्लेन इज नहीं विथ इन है, ठीक है, हिंदी में ठीक है। द कोस्टल प्लेन इज विथ इन मालाबार कोस्ट, जो मैदान है वो कहाँ पे, मालाबार कोस्ट में है। तो द मालाबार कोस्ट हैज गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स। कयाल्स मतलब बैक वाटर, मतलब जो रिवर जा रही है, फ्लो बढ़ जा रहा, फिर उसका फ्लो कम हो गया तो वो वहां पे एक तालाब जैसा बन जाता है, तो उसको बोलते बैक वाटर कयास, ठीक है ना। द वो तो एस्चुरीज था ना, एस्चुरीज में खाली नहीं, खाली मतलब का, उसमें कहाँ खाली बोला था, खाली मतलब है कि जाके गिरना। बैक वाटर, बैक वाटर क्या बोला था, जलमग्न मैग वाटर को नहीं बोला था। बोलो नींदारी में, जल्दी बोलो, पलवल निकलना है जल्दी। बैक वाटर क्या बोला था, तो बचा रहता है ना। अरे यार ये देखो, ये रिवर जा रही है, अभी इसमें बाढ़ आ गई तो ये ऐसे फैल जाएगी, फैल जाएगी, फिर जब बाढ़ कम हो गया, पानी कम हो गया, तो फिर वापस आ जाएगी। तो इधर तो पानी इतना जमा हुआ, तो उसका ताला वाला कुछ बनेगा, हो गया ना बैक वाटर। फिर अगले साल जब बाढ़ आएगी तो फिर से उसको जोड़ेगा, फिर से निकलेगा वैसे पढ़ के, सही है। कयाल बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, ठीक है। विच आर यूज फॉर द फिशिंग, भाई इतना रिवर आएगी तो फिश भी आती है, पता है क्या, बाढ़ में बिहार के लोग नहीं क्या फिश पकड़ रहे थे, मस्त फिश पकड़, अरे ऐसे बह रही थी रास्ते से, अरे पकड़ो रे, खा रहे मस्त, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल सकता खा रहे, छोड़ दिया, बन गया हूँ साधु। नहीं साधु, हम लोग जन्म से साधु, वी आर बॉर्न साधु, शी इज ऑल्सो, एंड शी विल मेक रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन वो लोग क्रांति लाते हैं सर, जैसे मैं क्रांति ला रहा हूँ एक्चुअली, सर एरिया नागपुर एरिया में, वहां के नोट्स इतने कम, इसमें देना ये तो करना ही क्रांति है, तो इस तरह से पढ़ाना है कि वर्ड ये क्रांति है। नहीं पढ़ाते है सर एक्चुअल में, नहीं पढ़ाते, पढ़ाते कहीं दिखा नहीं, मैं क्या ला रहा हूँ, रिवॉल्यूशन, वो रिवॉल्यूशन लाएंगे। डोंट डोंट रिकॉर्ड फिशिंग इनलैंड इन नेविगेशन, नहीं, वो करेंगे। इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन मीन्स इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड का मतलब क्या हो गया, लैंड के अंदर आ गया है ना, और नेविगेशन, हाँ, तो अंदर मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, इनलैंड नेविगेशन मतलब अंदर जो है ना भाई, अब जो पानी जब इधर आ जाएगा, कयास अंदर आ जाएगा, तो वहां पे क्या है, इनलैंड ऐसी ये बन जाएगी, नहर टाइप बन जाएगा, वहां नेविगेशन के लिए अच्छा रहेगा ना, वो जाने के लिए, ठीक है ना, नाव से आप जा सकते। ऑल्सो ड्यू टू इट्स स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, भाई जब लैंड के अंदर में ऐसे अगर कुछ बन जाता है ना, तो उसमें आप नहीं कभी बोटिंग करते हो, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। पेम्बानाड लेक है ना, तालाब है ना, देखो ये इससे बना है, द लार्जेस्ट लैगून इन दिस रीजन। लैगून क्या होता है, तो लैगून तो हिंदी में भी शायद लैगून ही है, शैलो, शैलो मतलब क्या होता है, शैलो, SHAOW, बचपन से पढ़ा होगा ना शैलो, ये नहीं पता मतलब, स्लाइड क्या होता है, स्लाइड मतलब, नहीं सर स्लाइड,
नहीं वो स्लाइड होता है, SLID होता है, मैं बोल रहा हूँ SLIGHT। नहीं सर वो तो स्लाइस हो गया, SLIC हो गया। सर तो बहुत सारे मीनिंग निकाल दे रहा है। स्लाइड्स, SLGHTLY, स्लाइटली मतलब कम कम, चीनी कम है, चीनी कम है मुझ में है कम कम कम, ठीक है वो था स्लाइटली। ठीक है तो वो पिक्चर बुड्ढा बुड्ढी, बुड्ढा और ये नहीं तो उसमें बुड्ढा रहता है ना वो है। अरे चीनी कम है ये तो है ना वो तब्बू, और शायद ना ये अपना शाहरुख अमिताभ बच्चन है ना। अरे नहीं अरे सर ये चीनी कम है तो ये तो ये अमिताभ बच्चन का है ना। अरे अमिताभ बच्चन का फिल्म है ये, बुढ़ा रहता है, बुढ़ापे में शादी करता है कि क्या करता है, प्यार करता है, चीनी कम है। चीनी यार कुछ भी कहीं जोड़। ठीक है तो देखो लगून क्या है, लगून शैलो बॉडी ऑफ वाटर, मतलब क्या हो गया अब, मतलब तो बताओ है? जल्दी जल्दी बताओ यार। नहीं नहीं मतलब मीनिंग तो बताओ, स्लाइटली द शैलो बॉडी ऑफ वाटर। अच्छा मैं बोलूँ इनकी बॉडी ऑफ कुछ लेक तो फिर सब समझेगा क्या? अरे बॉडी ऑफ वाटर उसके हाथ पैर रहते हैं क्या? अरे मतलब भाई वाटर का कुछ भाग जो है वो कम हिस्से में है, उस वाटर रिवर का भाग कुछ कम हिस्से में है। अरे अभी वही तो चल रहा है, ये लेगुन क्या है, ये वही तो है, कयाल ही तो है, बैक वाटर ही तो है, उसको एक प्रॉपर लैगून क्या बोला है, मतलब एक देसी नाम है वो। तो क्या है वो बॉडी ऑफ वाटर, एक बॉडी है वाटर की, वो सेपरेट हो गई है फ्रॉम अ लार्जर बॉडी, सही है ना? लेक अगर बन रहा है तो बड़ी बॉडी से सेपरेट हो गया है, ठीक है तो यही मीनिंग है। ओके रीजनल नेम्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, रीजनल नेम क्या है वहाँ पे, पश्चिमी तटीय मैदानों के, कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है गुजरात में आता है, कोंकण कोस्ट ये आता है, दमन इन द नॉर्थ एंड गोवा इन द साउथ। ये देखो ये पता मुझे नाउ नॉर्थ का और ये साउथ का, ठीक है इसके बीच में कोंकण, फिर कनारा कोस्ट ये आता है गोवा से मंगलोर, ठीक है मंगलोर कहाँ चला गया, मंगलोर कहाँ चला गया, कर्नाटका, ठीक है बंगलोर मंगलोर, ठीक है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट कहाँ है, बिटवीन मंगलोर इन द नॉर्थ तो कन्याकुमारी इन द साउथ। देखो लाइन वाइज जा रहा है ये, ऊपर से नीचे आ रहा है बरूबर, ठीक है ना? तो ये ऐसा भी आ सकता है ये इसको नहीं, अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कुछ भी कर सकता है, तो भी आ सकता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ वाइड स्ट्रेच लैंड लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट द ओशियनिक बाउंड्री ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से है, ये फैला है ईस्टर्न घाट एंड अपना ओशियनिक बाउंड्री ऑफ इंडिया के बीच, ठीक है ईस्टर्न घाट और समुद्री जो आखिरी बॉर्डर है इंडिया की, ठीक है ना, के बीच में है और कैसा है, वाइड एरिया में फैला है, ठीक है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द तमिलनाडु इन द साउथ, अभी तक उसने ऐसी बात की ईस्ट वेस्ट की बात की, अब ये नॉर्थ नहीं सॉरी स्ट्रेचेज फ्रॉम द तमिलनाडु इन द साउथ द वेस्ट ऑफ द, नहीं नहीं अभी नॉर्थ साउथ ही है सर, अगर आप देखोगे ना नॉर्थ साउथ ही है एक्चुअल में। अच्छे देखो इसमें तमिलनाडु के नॉर्थ साउथ से और टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, तो भाई ये ऊपर गया ना सर, ये नॉर्थ साउथ ही हुआ ना सर। और इसने अभी क्या बोला कि ईस्टर्न घाट से जो समुद्र की जो बाउंड्री इंडिया की वहां तक है, जो भाग है वो ईस्ट वेस्ट की बात की उसने एक्चुअली। दिस प्लेन इज बॉर्डर ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है देखा ना, वेस्टर्न जो मैदान है उससे ज्यादा ब्रॉड है ईस्टर्न, ठीक है। द विड्थ ऑफ द प्लेन वेरीज बिटवीन 100 to 130 किलोमीटर, तो उसका पता कर लेना उसमें था क्या, कितने किलोमीटर ब्रॉड है, तो उसका पता करना कल कर। लिखो दादा भाई यही लिखो, ये वीट तो हाँ ईस्टर्न का ढूंढ लेना, नहीं ये तो ईस्टर्न है, वेस्टर्न का ढूंढना,
विड्थ कितनी है? विड्थ दिस कोस्टल प्लेन्स आर इमरजेंट इन नेचर, इमरजेंट मीन्स दिस कोस्टल प्लेन्स आर इमरजेंट इन नेचर, इमरजेंट इन मतलब मीनिंग क्या है? वही वही वर्ड मत बोला कर, क्या ये मतलब तो कुछ और ही हो रहा है? नहीं, ये कहाँ से आया मीनिंग? इमर्ज मतलब मिलना होता है, ऐसा सुना है तुमने? अच्छा ऐसा सुनते तुमने, हस्बैंड एंड वाइफ आर इमर्जिंग? नहीं तो इमर्जिंग तो गलत है ना, मीनिंग मिलना है ही नहीं उसका, मीनिंग उसका है, मीनिंग मिलना है ही नहीं उसका, मिलना अलग भी नहीं है। देखो इसका मतलब भी क्या है कि दिस कोस्टल प्लेन्स आर अचानक इन नेचर, क्या है? मिलना नहीं है सर, यहाँ दो चीजें है ही नहीं कोई मिलने की। अच्छा कोस्टल प्लेन और कुछ और साथ में लिखा एंड, लिखा क्या एंड जब कुछ है ही नहीं, दो चीजें हस्बैंड वाइफ भी नहीं है, ये क्या वो क्या मिलेगा कुछ में? बोले मैंने खाना खाया और खाना मेरे स्टमक से मिल गया, तो इसमें तो भी चलो कम से कम दो अलग चीजें है ना, है ठीक है। तो भाई ये क्या हो रहा है? इमर्ज हो रहा है इन द नेचर। पोस्टर प्लेन क्या हो रहा है? अचानक जो है वो आ जा रहा है नेचर, नेचर में नहीं मतलब कि उसका नेचर क्या, अचानक नेचर है मतलब डायरेक्ट वो बनना शुरू हो गया, ठीक है ना, अचानक उसका फॉर्मेशन दिखता है। नहीं नहीं सर वैसा नहीं है, मतलब कि जैसे कि वो पर्वत वाला है ना, पर्वत कैसे अचानक है, वैसा अचानक, ठीक है। नेचर में पोर्ट एंड हार्बर्स आर लेस इन नंबर ड्यू टू दिस, ठीक है सर। वो माउंटेन जैसा जो अचानक वाला है ना, वही इसमें अप्लाई करो ना, मतलब वो प्लेन अचानक बन गए, अचानक नहीं सर बने, बनना अचानक नहीं है मतलब अचानक उठे हुए हैं। देखो ये है वो प्लेन और अचानक ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है अभी तक। जो बोट अगर आएगी यहाँ पे, आप बोट आना है लैंड एरिया में, तो कैसे आएगी? ये देखो समझ लो, ये अभी ये वाला जो है ना, ये अचानक वाला है। बोट कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, गलत हो गया ना, नहीं ना वहाँ नहीं आएगी, पता कहाँ आएगी? ये अचानक है, अचानक तो ये यहाँ आएगी, और अब ये बंदरगाह नहीं रहा भाई, जब वो तो बह के चले जाएगी लेके। अरे भाई ये जब यहाँ पे आए, ये समुद्र है, ये लैंड है, जब वो यहाँ बरोबर ऐसे आएगी तो ये हुआ नेचुरल बंदरगाह लैंड करने के लिए, है ना। यहाँ पे सर विमान आता है तो उसकी पट्टी चाहिए ना, फिर अगर ये अचानक है तो वो यहाँ आएगा, तो ये कोई बंदरगाह नहीं हुआ, ये कोई ये बंदरगाह नहीं हुआ, लेकिन ये है मैदान। अब समझ रहे क्या? तो पोपड़ी अभी तक बात नहीं कही तुम्हारी, बस हाँ हाँ कर रहे थे, हाँ हाँ नहीं सर सर हाँ चल रहा था बस अभी तक, सर सर मतलब अभी तक हाँ हूँ चल रहा था बस, और कुछ नहीं था। नहीं सर अचानक वही तो है सर, माउंटेन का भी अचानक वही है और इसका भी अचानक वही है, भयानक नहीं मतलब अचानक वो अचानक मतलब ही उसकी हाइट, हाँ मतलब जब वो बना होगा ना तो अचानक उतनी हाइट चले गई, ऐसी हाइट नहीं गई उसकी, तो उधर तो सेम रूल वहां का जो है ना वो यहीं पे अप्लाई हो रहा है, ये बोलना चाह रहा। दिस प्लेन इंक्लूड्स द डेल्टास ऑफ द रिवर महानदी। ये डेल्टा जो डेल्टा बनाते हैं ये प्लेन में, ठीक है ना, कौन से प्लेन में? ईस्टर्न वाले प्लेन में, तो वो कौन सी रिवर बनाती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बनाती है डेल्टा, ठीक है। चिल्का, पुलिकट, कोलेरू लेक्स आर द फेमस लैगून्स ऑफ दिस। और ये जो रिवर से ये क्या बना रही है? लैगून्स, लैगून्स का मतलब बता दिया मैंने, तो ये फेमस लैगून्स है, ठीक है। नॉर्थन पार्ट अबव फॉल्स दिवी पॉइंट इन द आंध्र प्रदेश इज कॉल्ड द नॉर्थन सिरकार्स, वाइल साउथ इट इज कॉल्ड एज द कोरोमंडल कोस्ट। देखो नॉर्थन पार्ट में फॉल्स दिवी पॉइंट बोल रहे हैं किसको? ईस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। ये देखो ये क्या है, नॉर्थन पार्ट में फॉल्स दिवी पॉइंट आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ईस्टर्न प्लेन को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थन सिरकार भी बोलते हैं, जबकि साउथ में क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये चल रहा है ना, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ प्लेन चल रहा है, ठीक है ना, तटीय प्लेन चल रहा है, ठीक है। द प्लेन्स हैव वेरी फर्टाइल लैंड, तो क्या भाई डेल्टा के कारण है ना, और एंड सपोर्ट्स एग्रीकल्चर ऑफ द राइस एंड अदर क्रॉप्स।
रीजनल नेम्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, रीजनल नेम्स क्या है वहाँ के लोकल नाम? उत्कल प्लेन्स इन द नॉर्थन पार्ट ओडिशा में, नॉर्थन सिरकर अभी गया, वो है इन द सेंट्रल पार्ट कॉल्ड द ऋषिकुल्या एंड कृष्णा रिवर, ठीक है? ये रीजनल नेम है कोस्टल प्लेन के। कोरोमंडल कोस्ट अभी गया इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कृष्णा रिवर, इनसे बन रहे, ठीक है? मुझे लगता है अब लिखना है।